मोदी कल गंगा आरती में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी जा रहे हैं। बड़ी खबर यही है, मोदी कल वाराणसी जा रहे हैं, मोदी गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में मोदी दो जगहों पर सभाओं को संबोधित भी करेंगे, इस तरह की खबरें हैं। 12 मई को होने हैं वाराणसी में चुनाव। विपिन चौबे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। विपिन, नरेंद्र मोदी कल पहुंच रहे हैं वाराणसी? जी बिल्कुल, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 8 मई को नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, दो पब्लिक मीटिंग में वो भाग लेंगे। इसके अलावा शाम के 7 बजे की जो गंगा आरती होती है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस तरह की खबर बीजेपी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो थोड़ी देर बाद और पुख्ता हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ दिन पहले जब वो वाराणसी कहते और तरह तरह की बातें हुई थी, गंगा को लेकर बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया गया था, वो गंगा के बेटा अपने आप से कहते हैं लेकिन गंगा के न दर्शन किए न गंगा घाट पर गए, तो शायद उस बात का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी हो सकता है। ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं कि 8 तारीख को 2 पब्लिक मीटिंग करने के बाद शाम को गंगा की आरती में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी वहां पर जा सकते हैं। हालांकि ये खबर अभी तक पूरी तरह से पुख्ता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे सूत्र ये कंफर्म कर रहे हैं कि शाम की आरती में नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, शाम की आरती में हिस्सा ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, कल वाराणसी जा रहे हैं। वहीं 10 तारीख को राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, उसके ठीक पहले इस तरह का बड़ा बदलाव बीजेपी में और ये निर्णय तुरंत ले लिया गया कि मोदी कल वाराणसी जा रहे हैं, ये दर्शाता क्या है विपिन? सीधे तौर पर वाराणसी की लड़ाई बहुत अहम है। अंतिम जो तुरंत का पत्ता कांग्रेस ने चला था, वहाँ अजय राय जो कैंडिडेट है उनको मुख्तार अंसारी का समर्थन, हालांकि बाद में कांग्रेस इनकार कर गई थी, लेकिन चुनाव जो मुकाबला है वाराणसी का बेहद टफ है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वहां पर जाके अमेठी में राहुल गांधी को टक्कर देने की कोशिश की, स्मृति ईरानी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, उसके बाद राहुल गांधी भी वहां वाराणसी में शिरकत करेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी के आने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन जिसको बाद में खारिज कर दिया गया। राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे, उससे पहले नरेंद्र मोदी पहुंचकर अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। हालांकि वहां की जो तस्वीर है वो पहले से बिल्कुल साफ है, लेकिन इतना जरूर है उस बात को और पुख्ता करना और वहां के वोटरों का उत्साह बढ़ाने नरेंद्र मोदी 8 तारीख को वाराणसी पहुंचने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। मोदी गंगा आरती में हिस्सा लेने के लिए कल वाराणसी जा रहे हैं, इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से हमारे सामने आ रही है। 10 तारीख को राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं और इस तरह से जो बनारस का मुकाबला है वो अब और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा।